हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं बिल्ड स्किल के तरफ से। जी हाँ, घर के ज़रूरतों में बहुत सारे चीज़ होते हैं। आजकल तो आपको पता ही होगा कि पेंटिंग अगर आप कराते हो किसी पेंटर से तो कितना सारा खर्चा निकलता है। तो इसी दौरान हम आपके लिए लाए हैं उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये है एक पेंट स्प्रे। अगर आप इसके ऊपर गौर करेंगे तो इसका ये मॉडल देखिए, ये मॉडल है 750 वॉट्स का प्रो पेंट स्प्रेयर है। जी हाँ, होम बेसिस होता है और प्रो होता है। तो प्रो में क्या है, थोड़ा अच्छा क्वालिटी होता है। तो चलिए इसे खोल के बता देता हूँ मैं क्या क्या है इसमें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए। तो देखते हैं क्या क्या है, और नीचे कमेंट करके बता सकते हो आपके होम यूज़ के लिए अभी क्या क्या आपको चाहिए। तो इसका रिव्यू दे देंगे पूरा, यूज़ कैसा करना है क्या है। चलिए, ये रहा पैकेट। तो एक एक आइटम निकालना पड़ेगा। ये देखिए, काफ़ी अच्छा दिख रहा है यार ये, वाओ। तो यहाँ पर जॉग व्हील बोल रहा है, इसको चेंज करने के लिए चेंज कर सकते हो जितना चाहे उतना। तो 100, इसमें क्या है, 45 डिग्रीज, 180 डिग्रीज, 90 डिग्रीज आता है, जिसके वजह से आप क्या सो यहाँ पर पेंट कर पाओगे अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक है, यहाँ पर, यहाँ पर, तो आपको चेंज करना आना चाहिए। तो चलिए दूसरा वाला निकालते हैं, सॉरी। अभी ये है इसका मेन, जो बोल सकते हो कंप्रेसर विथ मोटर। यहाँ से आपको क्या सो गन को लगाना होगा, और गन को लगाए बाद में पावर सप्लाई देना होगा। इसमें टू टाइप्स आते हैं यार, एक है वायरलेस आता है जो बैटरी का होता है, थोड़ा कॉस्टली होता है। अगर घर के वास्ते ले रहे हो तो ये वाला ले सकते हो, एक्सटेंशन लगा के आराम से काम कर सकते हैं। तो काफ़ी वेट भी अच्छा है यार इसका, और ग्रिप पकड़ने में भी काफ़ी बेहतरीन है। तो देखिए क्वालिटी कैसा अच्छा दिया है। और यहाँ पर लॉक करना पड़ेगा, वो भी बता देता हूँ मैं। इसको साइड में लगाते हैं पहले, और देखते हैं क्या क्या आया है। तो ये 750 ml का जो बॉटल आया है हमें, कंटेनर या टैंक बोल सकते हो, तो इसके ऊपर क्या सो 800 ml तक आप क्या सो फिल कर सकते हो। पूरा 800 ml तक यहाँ तक डालना होगा, इससे ज़्यादा नहीं डालना है, तो उसके बाद वेस्टेज हो जाता है। तो ये है हमारा टेस्टर। जैसे आपने पेंट लिया, कुछ भी लिया, तो सेकेंड्स यहाँ पर हाथ लगा दे के या कुछ लिड को कवर करके यहाँ से पेंट डालना होगा, और पेंट डाले बाद में आपको इसको टाइम नोट करना होगा कितनी देर में यहाँ से निकल रहा है, तो उसका क्वालिटी जो थिकनेस बोलते हैं ना, वो मालूम पड़ता है। और क्या है देख लेते हैं, इसमें एक मैनुअल है यार, और यहाँ पर देखिए क्लीन करने के लिए, नोजल को क्लीन करने के लिए एक पिन दिया है। तो इसको फिट करके बता देता हूँ मैं कैसा है ये। पहली बात तो आप इसमें पेंट डाल लीजिए, वो हम डाल लेंगे। और उसके बाद क्या है, अगर आपका पोजीशन अगर आप ऐसा मार रहे हो, ठीक है, अगर ऐसा मार रहे हो तो ये जो पाइप है उधर आना चाहिए। अगर आप ऐसा मार रहे हो तो इसको पाइप को ज़रा फिराने से आ जाता है, ठीक है। अगर आप ऐसा मार रहे हो तो नीचे आना चाहिए, अगर ऐसा मार रहे हो तो ये क्या सो थोड़ा नीचे चल जाना चाहिए। ऐसा ऊपर मार रहे हो तो ये लिड को नीचे करना होगा। तो उसके बाद इसको आप जुड़ा लीजिए अच्छे से, ये हो गया जुड़ गया, और इसको यहाँ पर मिलाना होगा। तो ये इसको इस तरह से फिराना होगा आपको। अभी इसको हम अच्छे से फिरा लेंगे और देखेंगे कैसा होता है। अच्छा प्रेस करना होगा, उसके बाद ये लग गया। तो इस तरह से होता है, और आप बहुत ही बेहतरीन से इसे कर पाओगे। तो इसका टेस्ट भी करना पड़ेगा, देखते हैं कुछ पेंट करके कैसा होता है। दोस्तों अभी हमारा सेटअप रेडी है। ये देखिए मशीन को हमने लगा लिया है, और थोड़े से पेंट्स ले लिया है, और टिनर ले लिया है। तो चलिए डालते हैं और देखते हैं कैसा काम करता है ये। तो ये टैंक है, इसमें थोड़ा डाल लेंगे पेंट, आराम से लगा लेंगे।
ये देखिए पेंट पेंट डाल लिया है हमने इसमें। इसके अंदर लगा लेंगे तो बहुत ही आराम से लगाना पड़ेगा यार, गिरना नहीं चाहिए। तो एक बार ये हो गया लॉक, तो अभी थोड़े से फंक्शंस है इसमें, तो वो फंक्शंस को बताते हैं आपको। तो दोस्तों देखिए, हमने ये वॉल को पेंट करने वाले हैं, पूरा वाइट वॉल है और येलो पेंट उसके अंदर है वॉल वाला। तो वहाँ पर एक ट्रिगर है, जैसा कि आप देख सकते हो ये ट्रिगर देखिए, उसको दबाने से स्प्रे, और वहाँ पर प्लस दिख सकते हो, माइनस देख सकते हो, उसमें एक छोटा सा क्या जो वो दिया है, उसको अप एंड डाउन करने से एयर का फ्लो ज़्यादा या कम होगा। तो पहले तो हम बता देंगे आपको दीवार पे मार के किस तरह से स्प्रे कर रहा है। ये देखिए, तो दोस्तों देखिए इस तरह से पेंट हुआ है। ये देखिए पेंट का कलर क्या गाढ़ा चढ़ा है यार, पहले कैसा था और अभी देखिए। तो चलिए अभी दूसरी जगह मारते हैं और देखते हैं कैसा है। और वहाँ पर नोजल भी देखिए किस तरह से है नोजल, और वो नोजल को हम चेंज कर रहे हैं। अभी देखिए फ्लो कैसा जाएगा इसका, स्ट्रेट जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, नोजल चेंज करने के बाद ये हम स्ट्रेट ऐसा मार पाए हैं। तो अभी और एक सेटिंग दिखाता हूँ मैं उसमें। अभी यहाँ पर देखिए, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर कैसो जॉग व्हील है, उसको कैसो बड़ा कर सकते हैं और कम कर सकते हैं। तो अभी हम देखिए क्या कर रहे हैं, हम कैसो कम कर बढ़ा रहे हैं। अभी ये होल कैसो जो नोजल का है बढ़ जाएगा। अभी देखते हैं कि इधर मार के कैसा होता है, ये देखिए। काफ़ी अच्छा कलर हुआ है यार, ये देखिए क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन दिख रही है, वाह। तो चल, तो दोस्तों अभी देखते हैं पूरा मार के। ये हमने जॉब को चेंज कर लिया, देखिए अभी देखते हैं। उसमें थोड़ा बहुत फर्क है देखिए, और नोजल को चेंज कर रहे हैं। अभी पूरा मार लेते हैं और देखते हैं, एकदम पूरा फुल पावर में है।